हे एवरी वन अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कल्चरिंग देते इस की लास्ट वीडियो में हमने फिन फिश और क्रिस्टेशन की कल्चरिंग uh, की थी अब हम करेंगे मोलस्क कल्चरिंग मोलस्क मोलस्क में एडिबल मोलस्के कुछ नाम होते हैं जैसे कि एडिबल मोलस्क जो है तीन क्लास के अंडर आता है क्लास गैस्ट्रोपोडा क्लास सिफेलोपोडा एंड क्लास बाई जो गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा के अंदर आते हैं हमारी ओलिवा शेल पर्पल शेल या फिंगर चेक कुछ भी इनके जो इन शेल्स के इन शल्स को बॉयल करने से इनका मीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है ठीक है उसी तरह होती है सिफेलोपोर्ट्स सिफेलोपोर्ट्स में कुछ एक नाम जो हमने पहले पढ़ रखे हैं दैट इज दटल फिश स्क्वैड स्क्वैड मतलब लोलोगो इंटिका लोलो हमने पढ़ रखा है ना ये हमारे एनसीआरटीज में भी ये एग्जाम्पल आते थे एंड हमारी थर्ड क्लास आती है दैट इज़ दी क्लास बाई वेलविया ओके इट्स इसमें आते हैं हमारे एडिबल ऑस्टर मेन हमारा जो फोकस है वो एडिबल ऑस्टर पे ही रहता है ठीक है तो यहाँ पे हम करते हैं कि uh, क, एडिबल ऑस्टर की कल्चरिंग किस तरह से होती है दो दो तरह के से की जाती है एक होती है ऑफ बोटम और एक होती है ऑन बोटम नाम से इंडिकेटेड है ऑफ बोटम मतलब बोटम से थोड़ा सा ऊपर तो यहाँ पर एक केज को हैंग किया जाता है इन मतलब हैंग किया जाता है नॉर्मली बॉटम पर नहीं रखा जाता और ऑन बोटम मतलब बोटम पर ही यहाँ पर कल्चिंग होती है ठीक है तो इसे कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं लाइक फर्स्ट टेक्निक आती है इसकी साइट सिलेक्शन यहाँ पे भी वही क्या किया जाता है सबसे तो पहले यही देखा जाता है कि आखिर कल्चरिंग किस जगह की जानी है ठीक है ये सॉरी तो सबसे पहले देखा जाता है कि यहाँ पे हमें किस जगह पे कल्चिंग करनी है तो वो साइड भी सिलेक्ट की जाती है तो वो साइड जो है बिल्कुल ही मतलब जहाँ से हम उसे ऑस्टर को कलेक्ट कर रहे हैं उसके नेचुरल जगह मतलब उसके नेचुरल जगह के आसपास ही साइड सिलेक्शन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए ताकि जो आ, रिवर से आने वाला पानी है सकोल टाइडल वेव है वहाँ से वाटर उन्हें रेगुलरली मिलता रहे और उनका जो सर्विस है जहाँ पर उन्हें हमें रखना है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए एंड प्रीडेटर फ्री होना चाहिए और वहाँ पर किसी तरह की कोई एल्गी डिपोजिट ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्यों क्योंकि एलगी जब होती है तो वो क्या करती है ऑक्सीजन को डिप्लीट कर सकती है है ना यह हमें पता है सो so, अब हमने देख लिया कि हमें किस किस जगह पे हमें कैसी जगह चाहिए कल्चरिंग करने के लिए अब यहाँ अब वही जगह देख ली अब वो क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे और ब्रीडिंग होगी एंड देन आगे सेम वही सेम प्रोसेस तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है सीड सिलेक्शन यहाँ पे कभी कभी हमें कंफ्यूजन होती है कि सीड का मतलब हमने सीड ही क्यों लिखा सीड तो हम प्लांट्स केसरे से, के से पड़ते हैं ना उन प्लांट्स के ही उसका सीड बोला जाता है तो यहाँ पर भी सीड का यही मतलब होता है जो फिश के यंगर वंस होते हैं जो बिल्कुल ही छोटे छोटे बिल्कुल ऐसा कर लो अभी अभी बर्थ हुआ है बिल्कुल ऐसे वाले बिल्कुल

लार्वा होता है हम से बोलते हैं विलिजत लारवा विज लार्वा ही क्यों बोला जाता है ये देखिए विलेजर लार्वा का मतलब क्या है तो जो, जो विलेजर लार्वा होता है वो एक मोलस्कन पूरे मोलस का फाइनल लार्वा स्टेज कराता है और उसके पास दो सिलेटेड फ्लैप्स होते हैं अब दो सिलेटेड फ्लैप्स क्या करेगा ऑब्वियस बात है पानी में रह रहे हैं तो स्विमिंग और फीडिंग में उसके काम आते हैं वह स्विमिंग में काम आते हैं तो विलेजर लार्वा होता है विलेजर लार्वा ग्रो करेगा किस में स्पैट्स में मतलब थोड़ा यंग वन हो गया अब इस इस्पैट उसको हम जो यंग वन होते हैं उससे हमने स्पैट नाम दिया है ठीक है और उसको हम एक ट्रे में कलेक्ट करते हैं मतलब उसको क्लचिस से निकाल देंगे और एक ट्रे में कलेक्ट करेंगे देन उसको आगे एक और बड़े केज़ में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बोलते हैं रियरिंग इट्स रियरिंग केजेस में डाल देते हैं तो उनमें से कुछ एक दो एक दो यंग वंस को हम एक थोड़ी बड़ी में ट्रांसफर कर देते हैं और आफ्टर वन ईयर एक हमें एक फुल्ली डेवलप पोस्टर मिल जाता है ठीक है तो बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस थी मोलस्कन की जिसमें हमने क्या किया पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर

ंग ओके देन फोर्थ आता है हमारा लास्ट कल्चर आता है दैट इज सिर्फ पर्ल कल्चर पर्ल हम सब ने देखा हुआ है गाइस तो पर्ल नॉर्मली किसका बना होता है सबसे मोस्ट मेन पार्ट उसका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है देन ऑर्गेनिक मैटर कुछ वाटर का तो यहाँ पे जो मेन पर्ल ऑस्टर हमें पढ़ना है वो होता है हमारा पिंक टाटा फिकाटा नॉर्मल जो पर्ल ऑस्टर्स होते हैं वो एक सेडेंट्री एनिमल होते हैं सेडेंट्री मतलब जो अपने आपको एक जगह पर रख लो तो रख ही ले मतलब सिर्फ एक ही जगह पर फिक्स हो ठीक है एंड ये अपने आपको हार्ड रोक से अटैच करके रखते हैं जिसे हम बोलते हैं पार तो इसकी कल्चिंग की बात कर लेते हैं तो उसकी थोड़ी कल्चिंग जो होती है वो थोड़ी सी टिपिकल है बाकियों से इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है वो हम आगे बताएंगे पहले तो वही है बिल्कुल जैसे हमने अभी तक किया है कलेक्शन करनी एगलिंग होएगी उसकी लुक आफ्टरिंग करनी तो पहले कलेक्शन करेंगे ओस्टर्स की ओस्टर्स को अब ओवीज बात है वो कहाँ मिलते हैं बोटम में मिलते हैं तो उनको सी बोटम से कलेक्ट करेंगे एक वाटर कंटेनर में डालेंगे वहाँ पर एग्लिंग होएगी एगिंग इनकी इंक्यूबेशन की जाती है इंक्यूबेशन जो है हमेशा आर्टिफिशियली होती है नॉर्मल तो पेरेंटल के द्वारा होती है लेकिन आर्टिफिशियली होती है अब यंग वंस को आगे बड़े बड़े केजेस में डाल जाता जाते हैं जहां उनके लुक आफ्टरिंग होती है और वो न्यूक्लियस हमें, uh, हमें अगर बेस्ट से बेस्ट पर्ल चाहिए तो हमें ये वाला पार्ट करना ही करना पड़ेगा दैट इज न्यूक्लियस का इंसर्शन करना ही करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले इंसर्शन के लिए हमें क्या करना होता है हमें एक ओस्टर चाहिए हमें एक ऐसा बिल्कुल अच्छा खासा हेल्दी ओस्टर चाहिए होता है यहाँ पे जिन के हम टेस्टिस और ओवरीज को रिमूव कर देते हैं देन उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा अपनी शेल को ओपन कर लेता है और उसके शेल ओपन होते ही हम उसके अंदर एक स्टिक डाल देते हैं ताकि वो शेल ओपन की ओपन ही रही दोबारा क्लोज ना हो अब क्या करते हैं यहाँ पर ग्राफ्ट टिश्यू बनाया जाता है ग्राफ्ट टिश्यू कैसे बनाया जाता है जहाँ पर जो मेंटल है जो उस हेल्दी ओस्टर की जब हम एक मेंट मेंटल में से एक छोटी सी स्ट्रिप निकाल ली जाती है उस स्ट्रिप के उस स्ट्रिप को क्या किया जाता है क्लीन किया जाता है ट्रिम और छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है उन मेंटल की छोटी सी स्ट्रिप को एंड उस स्ट्रिप के साथ न्यूक्लियस को अटैच कर दिया जाता है ठीक है लेकिन एक बात नोट की जाती है अगर हमें बहुत अच्छा ही पर्ल चाहिए तो हमें यहाँ पे कलकेरियस न्यूक्लियस का यूज़ किया जाना चाहिए ठीक है तो हमें यहाँ पे कलकेरियस न्यूक्लियस का यूज़ करना होता है उसके बाद हमने क्या किया अभी हमने मेंटल में से स्ट्रिपली उसको छोटे पास में डाल तो काट दिया एंड उस पर हमने न्यूक्लियस अटैच कर दिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब जिस पे हमें ये कराना है जिसके अंदर हमें डालना है उस उस ओस्टर को लेंगे उसके मेंटल को हल्का सा जेंटली पुश करते हैं पुश करने से क्या होगा उसके जो फुट और विस्टल मास है वो एक्सपोज आउट हो जाएंगे और उसमें हल्का सा कट लगाया जाता है अब जो हमने ग्राफ टिश्यू प्रिपेयर किया है उसके साथ अब सॉरी उसके साथ हम न्यूक्लियस अटैच कर देंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस रख देंगे कुछ भी ऐसा वैसा समझ लो तो उसके बाद अटैच कर दिया और उसको हम उस कट पार्ट में जो हमने कट लगाया विस्टल मास और फुट में उसके कट पार्ट में हम उसे इंसर्ट कर देते हैं और शेल क्लोज हो जाती है तो ये होता है हमारा इंसर्शन तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन, आ, सबसे पहले ओस्ट्रो को क्लिक, क्लिक किया जाता है एक हल्दी ओस्ट्रो को उसके चेस्टी रोव रिमूव किया जाता है उसकी शेल को ओपन किया जाता है शेल को ओपन करते ही उसके जो मेंटल है मेंटल स्ट्रिप निकाली जाती है और उसके साथ न्यूक्लियस अटैच करके जिसमें भी हमें डालना है उसके अंदर हम उसे प्लेस कर देते हैं इट्स कोल इंसर्शन ठीक है अब देन हमें अब देन उसको हम ओस्टर को आ, उसमें सी वोटो में डाल देते हैं सी वोटो में ऐसे खुलना नहीं छोड़ते एक केस्ट कंडीशन के अंदर केसड होता है उसके अंदर उसको उस केसट को सी वोटो में डाल दिया जाता है उसके अंदर ओस्टर उसके अंदर ओस्टर होता है एंड देन आफ्टर थ्री ईयर्स हमें पर्ल कलेक्शन मिल जाते हैं देन उस पर्ल को क्लीन एंड वॉश करके यूज़ अप किया जाता है ठीक है सो गाइज ये था हमारा पर्ल फिशेज यहाँ पे हमारा जो ब्रैकिश वाटर कल्चर वाला चैप्टर है छोटा सा चैप्टर था काफ़ी ये कंप्लीट होता है टोटल बस हमें यहाँ पे चार तरह की कल्चरिंग करनी थी फिन फिशेज मॉल्स क्रस्टेशंस एंड पर्ल फिशेज सब में प्रोसेस सेम है उसके नैचर बॉडी उसे कलेक्ट करते हैं देन उनकी ब्रीडिंग या स्पॉनिंग ये सब चीज़ें होती है देन उसके बाद उसकी लुक काफ्टिंग दैट इज द रेयरिंग थोड़ा पर्ल फिशेज में एक स्टेप और रहा हो जाता है दैट इज द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस बस बहुत इजी चैप्टर है गाइज ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाय बाय